दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देखने से ही पता लग गया होगा कि आज हम ये वीडियो किसके ऊपर बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पायरेसी करते हो किसी भी मूवीज की तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। जी हाँ दोस्तों, हमारे ये नया कानून बन गया है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी प्रकार की मूवी की पायरेसी करते हो तो आपको उसका अंजाम कितना बुरा भुगतना पड़ेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि जो भी लोग पायरेसी करते हैं हमारे मूवीज वगैरह की, तो उन लोगों को खिलाफ अब एक नया कानून बन गया है। क्या वो नया कानून है, वो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको करने वाले जुर्म से बचा ले। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, कहीं आप भी इस भंवर में फंस ना जाओ और कहीं आप भी अपराध करना बैठो। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर मूवी पायरेसी का जो एक कीड़ा है वो कभी भी जड़ से खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहले मूवी हमें मिलती थी हार्ड कॉपी के रूप में, जिसको हम सीडी डीवीडी के रूप में इस्तेमाल करते थे, जो हमें बंडल्स के अंदर मिल जाती थी। एक ही डीवीडी के अंदर हमें तीन या चार मूवीज की सीडी हमें मिल जाती थी, डीवीडी हमें अवेलेबल हो जाती थी, जिसको हम 20 या 30 रुपए में परचेज करके हम मूवी का आनंद उठा लेते थे। लेकिन दोस्तों, वो 20 या 30 रुपए में, ये मान लीजिए हमें ओरिजिनल सीडी हमें अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो हमें 500 या 600 रुपए की हमें एक मूवी की ओरिजिनल सीडी मिलती है। लेकिन जो पायरेसी करते हैं मूवीज की, वो उसको केवल पायराइट करके और उसकी डीवीडी बना देते हैं और उसको 20 या 30 रुपए में अपने मुनाफे के लिए उसको 20 या 30 रुपए में मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। वो लोग एक मूवी बनाने के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और कितने उनकी मेहनत लगती है, कितना उनका श्रम जाता है और कितना उनका सेटअप होता है, ये मान लीजिए वो अपनी एक मूवी के अंदर जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस मेहनत का नतीजा उनको क्या मिलता है, जो पायरेसी करते हैं मूवीज की वो उनकी डीवीडी बनाकर 20 या 30 रुपए के अंदर मार्केट में बेच देते थे। देखिए, डीवीडी और सीडी का जैसे ही मामला थमा तो लोगों ने अब क्या कर दिया, मूवीज की पायरेसी सॉफ्ट कॉपी के रूप में करने लग गए। जी हाँ दोस्तों, वो थर्ड पार्टी कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वो उस मूवीज को डाउनलोड कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि अभी एक सिलसिला चला था यू टोरेंट, बहुत ही फेमस हुआ था, इसका भी बवाल उठा था कि यू टोरेंट जो हमारी साइट थी उससे हम कोई भी मूवी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया, क्योंकि जो मेहनत करते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले, उनका मेहनत का उनको नतीजा नहीं मिल पाता है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मूवी को डाउनलोड कर लेते थे यू टोरेंट से और उसको बिना किसी डर के वो डाउनलोड करके अपने पूरे परिवार के साथ उस मूवी का आनंद उठाते थे। लेकिन इससे लॉस होता था पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री वालों को, डायरेक्टर को, जो एक्टर्स होते हैं उनको लॉस होता था, क्योंकि जो वो लोग मेहनत करते थे उनको उनका मेहनत का नतीजा नहीं मिल पाता था और वो अपने जो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते थे वो पैसा भी मान लीजिए मैक्सिमम मूवीज के अंदर वो रिटर्न नहीं हो पाता था, तो उसको काफी लॉस हो रहा था। तो अब इंडिया के अंदर ये एक लॉ बन चुका है दोस्तों कि अगर आप पायरेसी करते पकड़े गए, अगर आप मूवी की पायरेसी करते हो तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रावधान अब बन गया है कि अगर आप मूवी की पायरेसी करते पकड़े गए, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में रहो चाहे वो हार्ड कॉपी में हो, अगर आप मूवी की पायरेसी करते पकड़े गए या आप मूवी डाउनलोड करते पकड़े गए, अगर आपका आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया गया है, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, साथ साथ में आपको 10 लाख रुपए इसका आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, या तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है या फिर आपको 10 लाख इसका हर्जाना आपको भुगतना होगा, और अन्यथा आपको ये दोनों ही आपको मिल सकते हैं। यानी कि आपको 3 साल की सजा तो होगी, साथ साथ में आपको 10 लाख रुपए भी आपको डिपॉजिट करने होंगे इसके हर्जाने के रूप में। देखिए दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप भी मूवी किसी प्रकार की डाउनलोडिंग करते हो किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से आप डाउनलोड करते हो, तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि ये कानून बन गया है अभी भारत के अंदर
कि अगर आप मूवी डाउनलोडिंग करते पकड़े गए या पायरेसी करते पकड़े गए तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, साथ साथ में आपको 10 लाख रुपए का हर्जाना भी आपको भुगतना होगा। तो देखिए दोस्तों, आप मैं ये आपको यही सजेशन करूंगा कि आप लोग मूवी को आप थिएटर में देखने जाइए। अगर आपको मूवी देखने का शौक है तो आप थिएटर में देखने जाइए, क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री वाले मेहनत करते हैं उनको मेहनत का आप उनको रिजल्ट जरूर दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए एक मूवी बनाने में तो हमारा भी दायित्व ये बनता है कि अगर हमें मूवी देखने का शौक है तो हम थिएटर में जाके देखें, ना कि हम कोई सीडी वगैरह परचेज कर लें या हम किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से हम डाउनलोड कर लें और हमारे उस मूवी का आनंद उठाए। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने वैसे ही जीएसटी के द्वारा मूवीज के ऊपर काफी कटौती कर दी है, जो कि हमारे जीएसटी से पहले हमारे 28% जीएसटी टैक्स लगता था वो घटाकर हमारा 18% कर दिया है, और जिसकी कीमत हमारी 100 रुपए से कम थी उसके ऊपर हमारे केवल मात्र 12% जीएसटी हमारा कर दिया। तो ये बहुत ही वैसे ही गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया हमारे लिए। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मूवी अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपको मूवी वगैरह देखने का शौक है तो आप थिएटर में टिकट परचेज करके आप देखिए, या फिर आप पेड किसी प्रकार से कोई वेबसाइट से पेड करके आप उसको परचेज कीजिए, ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री वाले मेहनत करते हैं उनका नतीजा उनको जरूर मिले, उनका आउटपुट उनको जरूर मिले, क्योंकि एक मूवी बनाने में उनको करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उनका मेहनत का अंदाजा तो आप लगा भी नहीं सकते हो दोस्तों। हम उनको 20 या 30 रुपए में परचेज कर लेते हैं, हमारी डाटा की कुछ MB हम खर्च करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के माध्यम से हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, जिनका रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रकार की मूवी डाउनलोड करते हो किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के माध्यम से आप मूवी की डाउनलोडिंग करते हो या उसकी पायरेसी करते हो, तो आप आज ही से सचेत हो जाइए, क्योंकि ये आपको भी भुगतना पड़ सकता है, 3 साल की सजा या फिर 10 लाख रुपए का आपको हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए, और ये सारे काम अगर आप करते हो तो बंद कर दीजिए, और जो फिल्म इंडस्ट्री वाले मेहनत करते हैं उनको उनका मेहनत का रिजल्ट हमें जरूर देना होगा, आप मत करिए, क्योंकि एक मूवी को बनाने में बहुत सा पैसा खर्च होता है और कितना मेहनताना खर्च होता है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो आप आज ही से उसको बंद कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस इंफॉर्मेशन की जानकारी मिल सके, और अगर वो किसी प्रकार की कोई पायरेसी करते हैं या कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो उसको बंद कर दे। अगर बंद नहीं करते हैं तो उसका नतीजा आपको बता ही दिया कि आपको 3 साल की सजा हो सकती है या फिर आपको 10 लाख रुपए आपको हर्जाने के रूप में देना पड़ सकता है, या फिर वो दोनों आपको एक साथ भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी वो आप समझ गए होंगे, और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम किसी प्रकार का कोई टेक्निकल वीडियो अपलोड करेंगे या हम कोई नॉलेज से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे या हम कोई यूट्यूब से संबंधित अपडेट का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।